अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं आसमास कुकिंग स्पॉट, आपका अपना कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बाजारों में मिलने वाली और बहुत ही जबरदस्त यम्मी सी रेसिपी बनाएंगे, वो है बैटर्ड फ्राइड फिश। ये फिश जो है ये इतनी स्पाइसी होती है, मज़ेदार होती है और क्रिस्पी होती है। तो चलें देखते हैं कि ये किस तरह से घर में तैयार की जा सकती है। तो इसके लिए हम बोनलेस फिश लेंगे, मैंने टिलापिया लिए है और इसको इस तरीके से छोटे पीस कर लेंगे। और ये देखें तकरीबन 791 ग्राम है, यानी कि 1 किलो से थोड़ी सी कम। तो इसके अंदर हमें डालेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे लेमन, मैंने 2 बड़े साइज के लेमन लिए हैं और इसका जूस निकाल लेंगे इस तरीके से। ये हम इसका मैरिनेट तैयार करने लगे हैं, ये देखें हम इस तरीके से निकाल लेंगे इसका जूस और फिर डालेंगे इसमें स्पाइसेस जो कि हैं पेपरिका 1 टीस्पून, इसके साथ हम डालेंगे रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, इसके अंदर जाएगा साथ में धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर इसके अंदर डालेंगे हम 1 टीस्पून, इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा गर्म मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हम अजवाइन के, इसके साथ इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, थोड़ा सा इसको पीस लेंगे हाथ से इस तरह से मसल के डाल देंगे, वाइट पेपर डालेंगे 1 टीस्पून इसमें, इसके साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे जिंजर पाउडर और साथ में ही इसके अंदर डालेंगे हम 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गार्लिक पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम सॉल्ट का, मछली में वैसे भी नमक होता है तो हम थोड़ा सा पूरा ही नमक डालेंगे। इस मसाले को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये बिल्कुल ड्राई सा हमने दरदरा सा मसाला बनाना है क्योंकि हमने इसको ऐसे कोट करना है कि मसाला मछली के ऊपर, फिश के ऊपर लगा रहे, उतरे नहीं, लिक्विड ही होगा तो उतर जाएगा। तो जनाब, फिश को हमने धोकर पेपर टॉवल से खूब अच्छे से सुखा लिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे, इसको डाल देंगे हम अपने मैरिनेट में। और ये देखिए इस तरीके से मसाला जो है वो खूब अच्छे से मसल कर सारे का सारा जो है हमने कोट कर देना है फिश के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से ग्लव पहन लें, अच्छा रहेगा क्योंकि स्मेल नहीं रहेगी फिश की। और इस तरीके से देखें मसाला इस पर लगा रहे, बिल्कुल ड्राई मसाला है। और इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, इसके बाद हम बाकी काम करेंगे। चलिए जी, बैटर बनाने के लिए हमने तकरीबन 2 टीस्पून लिया है मैदा और इसको हम डाल देंगे एक बॉल में और इसके अंदर हम पानी डालेंगे, इसकी हम पतली सी स्लरी बनाएंगे। इसके साथ मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का भी 1 टीस्पून डाला है। और इसी तरह का सेम हम ड्राई बैटर तैयार करेंगे, ड्राई पाउडर जो होता है तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे मैदे के और साथ में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का और थोड़ा सा सॉल्ट। ये हम इसका पाउडर, ड्राई पाउडर बना लेंगे। सेम चीज़ हमने बैटर बनाना है लिक्विड स्लरी और उसी का वो बनाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो मैरिनेट में मसाला है ना, मैरिनेशन में से निकाल के वो नीचे होगा थोड़ा सा, हमने उसमें से 1 टीस्पून मसाला इसमें ऐड कर लेना है इस तरीके से, ताकि फिश का होता है ना बैटर जो होता है हम जब कभी खाते हैं तो ऊपर से फीका फीका होता है, अंदर स्पाइस होता है, तो ये हम उसी का फ्लेवर जो है अपने स्लरी में भी ऐड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा बैटर जो है तैयार हो गया है। तो ये देखें इसके पीसेस जो हैं हम पहले ड्राई में डालेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम पतली सी स्लरी से इसको कोट कर लेंगे। ये बैटर जो है इसके ऊपर वो देख लें सारा मसाला इसके अंदर ही है। और इस तरीके से हम इसको मीडियम हीट पर फ्राई करते चले जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर चूँकि मैदा लगा हुआ है तो ये बड़ी जल्दी से जल जाता है और ये इसके अंदर मसाला भी सारा है। तो हमने फिश की कुकिंग तक इसको रखना है ताकि ये बर्न ना हो हमारा और बहुत अच्छे से क्रिस्पी सा जो है कोटिंग इसकी तैयार हो जाए। और ये देखें ऐसा आहिस्ता आहिस्ता से करके हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, एक साइड से पक जाएगी, बड़ी जल्दी फिश बन जाती है, तकरीबन 6 से 7 मिनट की फ्राइंग होती है और ये पक जाती है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे भी आपने बहुत ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट से मंगा लिया है। तो ये देखें ये कितने मज़ेदार सी फिश जो है हमारी बन के तैयार हो रही है। हमने बारी बारी इसको फोल्ड करते जाना है, हमने जलने बिल्कुल नहीं देना। मुझे पता है एक्सीडेंटली हमारे पीसेस जो हैं वो थोड़े से ओवर कुक हो भी जाते हैं समटाइम्स, लेकिन हमने फिर भी केयरफुल रहना है और इस तरीके से जैसे जैसे पकती जाएंगी हमने इसको निकाल के अपने प्लेटर में या दूसरी किसी डिश में पहले रख देंगे और बाद में जब हमारा सारा तैयार हो जाएगा तो हम अपने प्लेटर में इसको डालेंगे इस तरीके से। और ये देखें हमने बाद में दूसरा बैच भी हमने तैयार कर लिया। इसको चाहें तो आप मैरिनेट बनाकर इस तरीके से मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, बस कोशिश करनी है कि इसके अंदर लिक्विड कोई ऐड ना हो। और ये देखें जनाब, हमने सारी फिश बारी बारी फ्राई कर दी है, साथ में हमने लेमन रख दी है, साथ में इसके सॉस रख दी है। और ये देखें कैसी ज़बरदस्त सी हमारी बैटर्ड फिश है, ये बहुत ही मज़ेदार है, अंदर से जूसी है, क्रिस्पी है ऊपर से, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है।
तो फ्रेंड्स, सर्दियां आने वाली हैं और फिश का सीजन भी स्टार्ट हुआ जाता है, तो इस रेसिपी को जरूर अपने मेन्यू में रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। चलती हूँ, इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना खूब ख्याल रखिए और खूब इंजॉय कीजिए।